नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका कोचिंग हब्स में। मैं हूं आपका होस्ट ललित, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारे इंडियन फ्रीलांसर को अपने पड़ोसी मुल्क के फ्रीलांसर से कोई ख़तरा है, और दूसरा कि जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएँ तो उससे उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि आपको आने वाले समय पे भी काम मिलता रहे और आप अच्छा खासा अर्न कर सको। तो इसका बेसिकली ये है, जो जवाब है वो ये है कि ख़तरा अभी किसी को किसी से नहीं है, मगर आने वाले समय में हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, वो ये है कि जिस जिस पर्टिकुलर कैटेगरी पे आप लोग काम कर रहे हो उस पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और उसका जो वो बिगनर लेवल का काम है। अगर आप, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आप डाटा एंट्री में काम करते हो और डाटा एंट्री में आप केवल टाइपिंग कर रहे हो नॉर्मल, तो टाइपिंग के आप भी कर रहे हो, टाइपिंग में इतना कोई लर्निंग कर्व नहीं है, वो लर्निंग कर्व उसका बहुत कम है, तो उसको कोई भी सीख सकता है और कोई भी कर सकता है। तो दिक्कत यहीं पर आ रही है। इसी वजह से मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि जो बेसिक लेवल का काम है, जहाँ पर लर्निंग कर्व बहुत कम है, उस पर जो लोग काम करते थे, चाहे वो बाहर के लोगों, मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था तो उसने बोला कि जो मैं फ्रीलांसिंग करता था और जो मैं काम करता था उसको मेरे आधे के आधे दाम पे इंडियन फ्रीलांसर उस काम को कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे पास काम बहुत कम आ रहा है। अब दिक्कत यह है कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में वो काम कर रहा था उस पर हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग काम करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट, तो उसमें उसका काम, उसको लगा कि अब ऐसे कहानी नहीं चल पाएगी तो छोड़ के कोई दूसरा अपना देखा कि कैसे वो दूसरा कोई काम करे। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर अराइज़ हो रही है। अब जिस लेवल, जिस पर्टिकुलर उस पर हम लोग काम कर रहे हैं उस पर बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, जिससे हमको अपने यहाँ के लोगों से भी खतरा है। वैसे अगर देखा जाए कि हमारे यहाँ पर ही हर साल नए नए फ्रीलांसर आ रहे हैं, तो उन लोग भी वो सारे बेसिक काम कर सकते हैं, तो हम लोग को उनसे भी खतरा है और दूसरे आसपास के जितने भी मुल्क हैं उन लोगों से भी खतरा है, क्योंकि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर को तादाद बढ़ रही है और गरीबी भी है एक तरीके से, वैसे गरीबी ना हो लेकिन फिर भी अगर वैसे देखा जाए तो मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उतना ज़्यादा कोई रोज़गार के उतने ज़्यादा कोई वो नहीं है, है ना, तो कई सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। वैसे ही दूसरे मुल्कों का हाल है, वहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा फील्ड है, यहाँ से तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो क्यों ना इसको किया जाए। तो वहाँ पर कोई एक पूरी कम्युनिटी तैयार हो रही है और बहुत तेज़ी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं। उनको पता है कि आज ये काम मिल जाएगा, आज हम पैसा कमा लेंगे, कल के दिन में बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो सारे जितने भी बेसिक बेसिक काम आज आ रहे हैं जिनमें फ्री फ्री मनी है जिसमें, तो वो सारे काम आज दूसरे जगह के लोग पकड़ रहे हैं। तब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो हर कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब मैं कोई ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये केवल हमारे यहाँ के लोग, इसको कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो सॉल्यूशन ये है कि फ्रीलांसिंग के अंदर कुछ मेजर कैटेगरी है, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओ तो यही चार मेजर कैटेगरी आपको हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जहाँ पर को ओवरऑल फ्रीलांसिंग वर्क होता है। पहली कैटेगरी है वेबसाइट आईटी एंड सॉफ्टवेयर, दूसरा है राइटिंग एंड कंटेंट, तीसरा है डिज़ाइन मीडिया एंड आर्किटेक्चर, और चौथा है डाटा एंट्री एंड एडमिन। सबसे ज़्यादा काम जिस पे आते हैं वो ये चार कैटेगरी पे आते हैं। अब इनके अंदर है मल्टीपल स्किल। अब हम लोगों ने, आप लोगों ने, सब लोगों ने ये देखना है कि इसमें से वो सारी स्किल जो बहुत बिगनर लेवल की हैं, जिसका कोई लर्निंग कर्व नहीं है या फिर है तो बहुत कम है, ऐसी स्किल को आप सीखें, वो तभी सीखें जब वो ज़रूरी हों आपके जो ऊपर काम करने वाले हो उसके लिए, उसके लिए आपको ज़रूरी। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, ये हर किसी में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसको केवल इस तरीके से मत देखना कि मैं वेबसाइट के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, इसको आप डाटा एंट्री के रिगार्डिंग भी समझ सकते हो, डिज़ाइन मीडिया एंड आर्किटेक्चर के तरीके से भी, और राइटिंग एंड कंटेंट के तरीके से भी। कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मेरे को वेबसाइट डिज़ाइन का काम करना है तो मुझे जो उसका बेसिक है HTML CSS JavaScript तो ये आना चाहिए, ठीक है, ये मैं बात को कहना चाह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है तो ये आना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब इसका आने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी भर HTML CSS करके ही पैसा कमाओगे, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं, इस पर इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है सीखने में। तो मेजर चीज़ ये है कहने की कि आप उन 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 स्किल को यहाँ पर देखो जिन स्किल पे बहुत कम लोग हैं काम करने वाले,
और जिसमें जॉब एज कंपेयर टू अभी के ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक का मतलब अगर वो 200-300 400 जॉब भी उसमें हैं तो समझ लो बहुत सही है एक तरीके से। ठीक है, आपने ये देखना है कि वो पर्टिकुलर स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसको आगे, जिसका फ्यूचर है, जिस पे अभी कम लोग काम कर रहे हैं, और जिसको आप सीखो तो आपको उसमें काम मिल जाएगा। आप कैसे मिलेगा काम, वो आराम से आपको मिल जाएगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि फ्रीलांसर में उन लोग बहुत कम होंगे। अगर जैसे पाइथन है मान लिया, तो पाइथन के यहाँ पर हो सकते हैं कई सारे फ्रीलांसर हो। लेकिन मैं ऐसे अगर आपको बताऊँ, ऐसे मजेंटो है और जैसे शॉपिफाई डिवेल्प शॉपिफाई है। अब शॉपिफाई पे बेसिक काम करने को बोलो तो बहुत लोग कर लेंगे, वर्डप्रेस पे बेसिक काम बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन वर्डप्रेस का इंटरनल काम करने को अगर किसी को बोला जाए, किसी प्लगइन में कोई चेंज करना है या फिर कम्प्लीटली एक नया प्लगइन तैयार करना है, तो वहाँ पर को बहुत कम लोग मिलेंगे। तो भीड़ जो छट रही है उस तरह का काम देखो, ऐसा कोई स्किल सेलेक्ट करो जिसका लर्निंग कर्व ज़्यादा हो और जो फ्यूचर के हिसाब से बहुत सही हो आपके। तो इससे क्या होगा कि जो बेसिक काम मिल रहा है उसके ऊपर से आप कोई नए काम पकड़ सकते हो। और ये डिफ़िकल्टी वाला काम को सीखना बहुत ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसी में आपका फ्यूचर आगे रहेगा। ठीक है ना, फ्यूचर फ्रीलांसिंग के उस पर अगर मैं देखूँ, फ्रीलांसिंग के तरीके से अगर मैं देखूँ, तो उस पर आपको आने वाले समय में सिक्योरिटी रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो स्किल पे आप काम कर रहे हो, वो जो बिगनर लेवल के स्किल पे आप लोग काम कर रहे हो, उससे ऊपर उठ के आपने अभी थोड़ा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है जिनका लर्निंग कर्व ज़्यादा है, उस तरह के स्किल को देखना है और उन पे काम उठाना है। क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि यहाँ पर को उन स्किल पे बहुत कम बिड आती हैं। जैसे अगर कोई नॉर्मल एक काम आया, जैसे कोई काम आया कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ, तो इस पे आप देखोगे कि 70 से 80, 100, 150 बिड आ जाती हैं। लेकिन वहीं पे आप अगर देखोगे कि जहाँ पर कोई वर्डप्रेस का प्लगइन में कस्टमाइजेशन का काम आ रहा है या कोई ऐसा काम आ रहा है कि जो देख के समझ में आ रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उस पर बहुत कम लोग की बिड आ रही है। उस पर 25 लोग बिड कर रहे हैं, 20 लोग कर रहे हैं, और उसमें से भी आधे से ज़्यादा तो ऐसे होते हैं, 80%, जिनने खाली ऐसी बिड कर दी होती है। उनको काम पता ही नहीं होता है क्या काम करना है, उनने खाली ऐसी मार दी कि बात करेंगे, देख लेंगे, क्या पता हो जाए अपने से भी, ट्राई एंड टेस्ट के लिए। ठीक है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपकी उस रिगार्डिंग स्किल होगी और उस पर आपने बिट करी होगी, तो उसमें आपको काम ईजिली मिल जाएगा। तो ये कुल मिला के कहने का एक पर्पज़ है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस पर्टिकुलर स्किल में सब कैटेगरीज में काम करना है, और जितने भी फ्रीलांसर हैं वो इस तरीके से काम करेंगे तो उनको फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा काम मिलेगा। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो किधर भी रहो।